मामलें सीजेआई को पूर्वतन विचारपति खोला चिठी सुप्रीमकोर्ट जज को कड़ा टिप्पणी को नहीं उठी विरोधर स्वर जज को विरोध में प्रधान विचारपति खोला चिठी लिखिंट 117 जन सामिल अच्छा 15 पूर्वतन जज 77 अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी 25 जन अवसरप्राप्त सैन्य अफिसर चिठी ने नुपुर शर्मा मामलार शुणा समय खंडपीठ दे मंतव्य को विरोध कर खंडपीठ शुणाई दुई विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला कड़ा समालोचना कर दिल्ली बॉम्बे गुजरात और राजस्थान भली विभिन्न राज्यर कोर्टर पूर्वतन विचारपति माने चिठी खोलाखोली लिखिंट लक्ष्मण रेखा पार कर दुई विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला जस्टिस ढींगड़ा जो पूर्व जस्टिस उन्होंने बड़ा ठीक कहा है कि भाई आपको जजमेंट कर देने का अधिकार है भाषण देने का अधिकार नहीं है। आप जब न्यायालय की कुर्सी पर बैठ जाते हो आप मेरिट के आधार पर केस के बारे में निर्णय करो। आपको लगता है कि एफआईआर नहीं क्लब की जा सकती ठीक है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो आपने किया ही है और कहा प्रॉपर कोर्ट में जाएगी तो वो चले जाएंगे प्रॉपर कोर्ट में। लेकिन उसके बाद ये जो साथ भाषण दिया है वो सब्जेक्टिव है। न्यायाधीश को इस प्रकार के सब्जेक्टिव भाषणों से बचना चाहिए। यदि किसी विषय पर अपनी टीका टिप्पणी करनी है तो न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे कि जब रिटायर होने के बाद। तो देश के भिन्न भिन्न राज्य में नुपुर शर्मा को विरोध में थी समस्त मामला को गोटे जगह को स्थानांतर करने को जुलाई 1 में नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट का द्वारस्थ होते यार शुणा कर सर्वोच्च न्यायालय नुपुर को ऊपर खूब वर्षि दुईजिया खंडपीठ कही नुपुर के बयान में देश में निआ लगी उदयपुर कांड बयान होता सुप्रीम कोर्ट कही सुप्रीम कोर्ट जज को कड़ा टिप्पणी को नहीं उठी सबुआड़े विरोधर स्वर जज को विरोध में प्रधान विचारपति खोला चिठी लिखिंट 117 जन चिठी कहुई सुप्रीम कोर्टर दुईज विचारपति दुर्भाग्यजनक मंतव्य भारतर न्यायिक व्यवस्था एक अलिभा दाग भली न्यायपालिका इतिहास एपरी दुर्भाग्यजनक मंतव्य पूर्व आईन गणतांत्रिक मूल्यबोध एवं देशर सुरक्षा उपरे यह गंभीर प्रभाव पकाई पारे तेणु तुरंत एथिरे सुधार आणिबा पई पदक्षेप नेबा पई सीजेआई को निवेदन करा जाइछि। रिपोर्ट अर्गस न्यूज।